अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की बनती बिगड़ती दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा के आईफा अवार्ड्स के नॉमिनेशंस को लेकर किए गए कमेंट्स बिग बी को बिल्कुल भी रास नहीं आए और उन्होंने दिया है शत्रु की बातों का जवाब। हमारी आज की स्टोरी नंबर टू। अमिताभ बच्चन हैं आईफा अवार्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर और उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या नॉमिनेट हुए हैं बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के लिए और यही बात शायद शत्रुघ्न सिन्हा को पसंद नहीं आ रही है। उनके मुताबिक आईफा बच्चन का फैमिली शो बनकर रह गया है। एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है ये। हाल ही में शत्रुघ्न ने कहा था कि हर कोई किसी न किसी का बेटा, किसी की बहू या किसी की बीवी है और जब ये बात बिग बी को पता चली तो उन्होंने अपने वेबसाइट पर ब्लॉग भेजकर इस बात की सफाई दी। शत्रुघ्न सिन्हा के इस कमेंट को बिग बी ने काफी सीरियसली लिया है। बहुत आश्चर्य हो रहा है और उनका कहना है कि अवार्ड कमेटी ने एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को जज करके ही फैसला लिया है। बिग बी ने कहा, मेरे मुताबिक यह इशारा किया गया है कि नॉमिनेशन को चुनने में कुछ हद तक अवार्ड कमेटी ने फिक्सिंग की है। रिपोर्ट के अनुसार इशारा एक परिवार की तरफ है और ये परिवार कौन सा है ये कह पाना मुश्किल नहीं है। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने बिग बी पर इल्जाम लगाया हो मगर अमिताभ बच्चन शत्रु के शत्रु होने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास सिर्फ बेस्ट विशेस हैं। शॉटगन के बेटे बहुत जल्द फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं और इस पर बिग बी का कहना है, मैंने कुछ अच्छे रिपोर्ट्स भी देखे हैं फिल्म के बारे में जिससे आपका बेटा इस शानदार इंडस्ट्री में शामिल होने जा रहा है। दुआ करता हूँ कि वो अपने बेहद कामयाब पिता से भी ज्यादा नाम कमाए और इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाए और तो और जब भी उसका नाम अवार्ड के लिए चुना जाए तो उस पर फिक्सिंग जैसे आरोप की हवा तक न लगे। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते में आई इस खटास को देखते हुए तो यही लगता है कि इन दोनों की दोस्ती को किसी की नजर लग गई है। पहले अभिलाष की शादी के वक्त पर और अब आईफा नॉमिनेशंस को लेकर शत्रु ने जो कमेंट्स बिग बी पर किए हैं उससे बिग बी की नाराजगी बढ़ना तो तय है। उम्मीद तो यही है कि सारे मतभेद भुलाकर ये दोनों अपना दोस्ताना फिर से कायम कर लेंगे। फॉर पारस कोठारी, जूम, मुंबई।